एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि जानते हैं सब, कल है आ रही है होली और मैं यहाँ पे किचन में बैठी हूँ चेयर पे, और आज मैं बहुत स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। होली रेसिपी कह सकते हैं, स्वीट में है, कस्टर्ड है जो कि मैं बनाने जा रही हूँ। ये झटपट सा बन जाने वाला रेसिपी है, आप लोग ज़रूर इसको बना के ट्राई करिएगा। और पीछे साइड पिचकारियाँ निकल चुकी हैं, बच्चों की सारी पिचकारियाँ निकल गई हैं पिछले साल की, अब की बार पिचकारी वगैरह नहीं खरीदी गई हैं, तो उनको भी देखना है कि ठीक है कि नहीं है। और मेरे सपोर्ट में, मेरी हेल्प किचन में कराएंगी मनीषा, जो कि यहाँ पे है। चीनी एक्चुअली ख़त्म हो गया था जो डिब्बे में डाल रही थी, तो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ कस्टर्ड, मीठा मिठाई भी कह सकते हैं, जो कि किचन में चलेंगे बनाएंगे। और नहा धो करके जस्ट मैं अभी आई हुई हूँ, और सुबह में मैं सो गई थी 10 बजे के बाद, और इस वक्त टाइम हो रहा है 12:35। और आज गुजिया भी बनना है, तो गुजिया देखते हैं शाम तक मैं बनाती हैं, मम्मा लोग बनाएंगी। बाकी मीठे में मैं कस्टर्ड बना रही हूँ क्योंकि अब काम करने की हालत नहीं है, देख सकते हैं। और आज मैंने ये वाली मैक्सी पहनी हुई है, तो अब सांस भी फूलने लग गई है और धूप बहुत ही तगड़ी वाली निकली हुई है। तो बस यही कस्टर्ड बनाने का मन था, तो चलिए बनाते हैं कस्टर्ड मीठे में। फाइनली किचन में आ गई हूँ, इधर मैंने दूध चढ़ा दिया है, तो आज बनेगा 2 मिनट पे बनने वाली मिठाई कह सकते हैं, कस्टर्ड, फूडीज, कुछ भी कह सकते हैं वो। तो चलिए रेसिपी शेयर करते हैं आपके साथ। तो चीनी डिब्बे में रख दिए हैं, और यहाँ पे मैं 1 कटोरी के बराबर चीनी लूँगी। आप कप से भी कटोरी से भी नाप सकते हैं जितना आपको चीनी लेना है। तो यहाँ मैं एक बर्तन ले रही हूँ, उसमें 1 कटोरी के बराबर मैं चीनी लूँगी। जितनी कटोरी मैं चीनी लूँगी, 1 कटोरी, तो इसके डबल मुझे पानी डालना है, इसी से 2 कटोरी मैं इसमें पानी भी ऐड करूँगी। तो सिंपल तरीके से 2 कटोरी हमें यहाँ पर पानी डालने हैं, और बस गैस पे चढ़ा देना है। और दूसरी तरफ हमारा दूध भी जो है, 1/2 लीटर दूध मैंने लिया है, वो बॉयल हो गया। इसमें हमें 3 चम्मच चीनी ऐड करना है मीडियम साइज़ वाले से, और बस इसको थोड़ा सा चलाना है, 5 मिनट और इसको पकाना है। तो यहाँ पे मेरा चढ़ गया, एक तरफ चाशनी बन रही है और एक तरफ ये दूध को थोड़ा देर पकाना है, 5 से 10 मिनट तक। और आप लोग क्या कर रहे हैं होली पे, क्या क्या शॉपिंग कर रहे हैं? पतिदेव जी कल लेकर के आए थे चिप्स वगैरह, जो फ्राई वाले आइटम होते हैं, पापड़ वगैरह, वो लेके आए थे। और घर का बना हुआ चिप्स है, पापड़ है, और मम्मी ने मेवा वगैरह काट के सब रेडी कर दिया है। और खोआ हम लोग घर का ही यूज़ कर रहे हैं, दूध ले लेकर के यहीं घर ही पे बनाए हैं खोआ। लगभग 2 लीटर दूध का खोआ बनाए हुए हैं आज, और थोड़ा सा बना लेंगे खोआ, क्योंकि अभी तक केवल 1.5 लीटर तक का हुआ है, आज और ले लेंगे 1 लीटर, तो उसका भी निकाल लेंगे खोआ। तो अब बोलने में भी दिक्कत होने लगी है, सांस फूलने लगती है, कंटिन्यू बोलते रहो ना, तो ये वाला हाल है। बाकी अबीर वगैरह, गुलाल वगैरह, करी लेके आ गए थे हस्बैंड जी। तो इस तरीके से चल रही है हमारे यहाँ होली की तैयारी, और कल देखेंगे क्या कैसे करते हैं, देखते हैं। अगर ब्लॉग बना पाए तो कंटिन्यू रखूँगी, नहीं तो कल फिर नया ब्लॉग शूट करेंगे, नहीं तो इसी में ही ऐड कर दूंगी। तो आज है 17 तारीख और आज है होलिका दहन। तो हमारे यहाँ पुलिस लाइन में थोड़ा उधर साइड जहाँ मंदिर है, अगर जो पुराने लोग मुझे देख रहे हैं, तो उधर ही साइड होलिका दहन होती है रात में, वो 12:45 का टाइम है, और उसके बाद नेक्स्ट डे होली होती है। सिटीज़ वगैरह में ज़्यादा तो खेली नहीं जाती है, और इस बार तो बहुत कम लोग, और मेरी सिचुएशन ऐसी है तो इस बार होली खेलना नथिंग ही है, लेकिन बस थोड़ा सा अबीर वगैरह, गुलाल वगैरह लगा के आशीर्वाद बड़ों का ले लेंगे। मम्मा पहली बार मेरे साथ होली में यहाँ है, हो चलिए। ये हमारा चाशनी बॉयल होने लगा, अब इसमें हम लोग ये केसर थोड़ा सा डाल देंगे, जिससे कलर आ जाए और स्वाद आ जाए। और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। तो जब हमारा दूध लगभग थोड़ा सा पक जाए, लगे हल्का हल्का गाढ़ा हो रहा है, तो इसमें हमें 3 से 4 चम्मच मलाई डालना है। टाइम पे इसमें मलाई ऐड किया है, जो कि घर की बनी हुई मलाई है मेरी, और उधर साइड चाशनी मेरी बन रही है। आप इसकी जगह फुल क्रीम वाला भी दूध, जो होता नहीं है क्रीम आता है अमूल का, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसकी जगह आप कह सकती हूँ मैं कस्टर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो मैं घर की मलाई यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, लगभग 3 बड़े चम्मच।
और यहाँ पे मेरी चाशनी भी बनके हो गई है रेडी। हमें ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं करनी है, बस थोड़ा सा रहे इस तरीके से, बस चप चप होए हाथ में, बस हमें चाशनी उतार लेनी है। और इधर मेरा दूध भी बनके हो गया ऊपर, जो मैंने रखा था आधा लीटर वाला मलाई मिलाने के बाद। तो बस इसमें हमें ये कस्टर्ड पाउडर डाल देना है, वनीला फ्लेवर का 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, और ठंडा दूध फ्रिज का मैं डालूँगी लगभग 1 कप के बराबर, उसे अच्छे से फेंटना है। कस्टर्ड भी खुल के हो गया है रेडी। केक कितना केक खाती है टुकटुक? कितना ज़्यादा? अच्छा, बाबू के लिए मिठाई बना रही है मम्मा। कस्टर्ड खाएगा मेरा बाबू? मिठाई वाला केक? कस्टर्ड, कस्टर्ड, हाँ मिठाई वाला केक खाएगा ना बाबू? टुकटुक भी आ गई है यहाँ पे। मम्मी की किचन में हेल्प करने आई है? नहीं नहीं, मम्मा अकेले करे। मैं चॉकलेट वाला केक बनाऊंगा, उसमें चॉकलेट डालूंगा। तो केक कहाँ बना रही हूँ मैं आज? फिर उसमें चॉकलेट डालूंगा। बच्चों का बस चले तो हमेशा केक केक केक, और दाने वगैरह भी होने लगे हैं, प्रेगनेंसी के साइड इफेक्ट्स बोल सकते हैं। समय मेरी ना इचिंग फिर से बढ़ गई है, अब नीम वाला पानी भी काम नहीं कर रहा है, इवनिंग टाइम में ज़्यादा होती है। कस्टर्ड पाउडर, क्या ये कस्टर्ड पाउडर? तो मैं यहाँ पे वनीला फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ, और मेरा ये घुल के हो गया रेडी और दूध भी हो गया रेडी। तो अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। तो दूध हमारा रेडी हो गया, इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमें कस्टर्ड मिलाना है और फिर चलाना है। थोड़ी देर में गाढ़ा हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से। तो ये रेसिपी मेरी सिस्टर है जो अनु, उसने बताया हुआ था, तो बस मैंने कहा आज ही वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी बहन की रेसिपी है ये। कि सैतानियाँ शुरू हो गई, चेयर लगा के ऊपर चढ़ गई हैं। हाँ, आप कैसे करोगी मेरी मदद? हार्ट वाला केक पता नहीं कहाँ है, सांचा की बात कर रही थी। तो बस यहाँ पे हमारा ये जो दूध का कस्टर्ड था वो बन के हो गया है रेडी। तो यहाँ पे कौन है? टुकटुक है, मम्मा है। तो बस अब जो मेरा कस्टर्ड है वो बन के हो गया रेडी। तो वहाँ मैंने ठंडा होने के लिए चाशनी और थोड़ा जो कस्टर्ड मैंने बनाया दूध वाला वो ठंडा होने के लिए रख दिए हैं, थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। केक बनाने में मदद करेंगे, को सरप्राइज देंगे ना। हाँ, तो सरप्राइज। हाँ, सरप्राइज। और टुक टुक खूब होली खेलेगी। और दादी क्या कर रही है? सो रही है। दादी सो रही है, पिचकारी खूब खेलेंगे है ना टुक टुक? कब खेलेगी टुक टुक? आज। आज कि कल? आज होली है। आज कहाँ है, कल है होली। कब है? कल। तो डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट के लिए बोला है, आराम करने के लिए इस टाइम पे बोला है, लेकिन क्या करूँ मुझसे आराम नहीं होता है। पता है जितनी देर कर लेती हूँ, नहीं तो मुझे बैठे बैठे काम करना, और काम करने की मुझे पता नहीं कौन वाली बीमारी आप कह सकते हैं, मुझे मन करता रहता है। तो इस वजह से मैं मन नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा चलो आज एक मिठाई आपके साथ स्वीट रेसिपी शेयर करते हैं। तो इस वजह से मैं बनाने लगी, और ये झटपट बनता है 5 मिनट में, बस वीडियो शूट करने में 10 से 15 मिनट लग रहा है। और यहाँ पे मेवा काट के मनीषा ला दी है, तो मेवे भी डलेंगे इसमें। हाँ, तो चलिए ठंडा हो गया है, तब तक मैं बातें करते करते, और हस्बैंड जी का फ़ोन भी आ गया था तो उनसे भी बातें होने लगी, इतनी देर में ठंडा हो गया। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं रेसिपी। रेसिपी को क्या करते हैं, बनाएं? चलिए बनाया जाए आगे। हाँ, तो मैं आज का जो मेरा कस्टर्ड है वो मैं जो स्वीट बना रही हूँ वो इन टोस्ट से बना रही हूँ। आप 10 रुपये वाला टोस्ट भी ले सकते हैं, 65 वाला भी ले सकते हैं, सूजी वाला टोस्ट ले सकते हैं। हाँ टुक टुक, टुक टुक की मस्ती चल रही है। तो इन्हीं टोस्ट से मैं बनाऊँगी। हाँ, तो इन्हीं टोस्ट से आज की मेरी ये स्वीट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ईजिली आप बना सकते हैं, कोई भी इसे बना सकता है। ओनली 10 मिनट्स के अंदर कह सकती हूँ मैं, या 5 मिनट्स के अंदर, अपने अपने काम करने के तरीके पर डिपेंड करता है कौन कितनी जल्दी बना ले। तो बस सिंपल आपको टोस्ट लेना है, आप इसकी जगह ब्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन ब्रेड को आपको टोस्ट करना पड़ेगा। मैं तो कहूँगी आप टोस्ट ही लीजिए। तो चलिए आगे बताते हैं। को टोस्ट लेने हैं, और कुछ इस तरीके से आप भगोने में लगा दीजिए। मेरे पास चकोर बर्तन नहीं, अगर आपके पास चकोर बर्तन है तो आप उसे भी ले सकते हैं।
तो इस तरीके से भगोने में मैंने टोस्ट को भी छा दिया है, थोड़ा सा काटा भी है ताकि अच्छे से एडजस्ट हो जाए। बाकी चकोर बर्तन रहता है ना तो अच्छे से उसमें लग जाता है टोस्ट। तो बस इसमें हमने जो सिरा बनाया हुआ था चीनी का, वो लगा देंगे ऊपर से एक परत पूरा, ताकि टोस्ट अच्छे से उसमें ऑब्जर्व हो जाए जो सिरा बनाया हुआ है हमने चीनी का। उसके बाद सेम कस्टर्ड मिल्क जो बनाए हुए थे उसको ऊपर से एक परत डालेंगे, और इसके बाद जो मेवे काट के रखे हुए थे वो मेवे डाल देंगे। अगर आपके पास काजू बादाम या कोई भी मेवे हैं, पिस्ता वगैरह, वो भी आप डाल सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। उसके बाद फिर मुझे इस पर एक और लेयर लगानी है टोस्ट की, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं फटाफट से एक और लेयर लगा दूँगी टोस्ट की, जिस तरीके से पहले हमने लगाया था। तो सेम मैंने इसको भी एडजस्ट करके तोड़ तोड़ के इस तरीके से टोस्ट को लगाया हुआ है, और फिर सेम तरीके से जो हमने सिरा बनाया हुआ था चीनी का, वो इसके ऊपर एक लेयर डालनी है ताकि टोस्ट अच्छे से उस सिरे को ऑब्जर्व कर ले। और सेम उसी तरीके कैसे आपको कस्टर्ड मिल्क भी ऊपर से ऐड करना है। मेरा कस्टर्ड मिल्क थोड़ा सा कम पड़ गया था, और मैंने 10 रुपये वाला जो टोस्ट आता है ना रस, वही यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद फिर इस पर मुझे मेवे सेम उसी तरीके से डाल देना। फाइनली ये कस्टर्ड हमारा बनके हो गया है रेडी, बहुत यम्मी है, बहुत टेस्टी है। तो बस हमारा ये कस्टर्ड है जो मीठा स्वीट, ये कस्टर्ड है वो बन के हो गया है रेडी। इसे आप पुडिंग भी कह सकते हैं या स्वीट्स भी कह सकते हैं। तो बस इसे हमें 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। मेरा कस्टर्ड मिल्क कम पड़ गया था, आप थोड़ी ज़्यादा मात्रा में बनाएंगे तो उसको अच्छे से डुबो दीजिएगा। तो चलिए फ्रिज में रख देते हैं। तो फाइनली कस्टर्ड मेरा बन गया है और पसीना भी हो गया। आजकल मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह लगने लग गई है, और टुक टुक कंटिन्यू मेरे साथ थी। मम्मा भी उठ गई है, मम्मा सो रही थी, ये देखो। हाँ, तो मम्मा खोआ निकालने गई हैं आज भी। इसमें पानी भर के मैं खेल सकता हूँ? नहीं, इसमें पानी नहीं भरो। हाँ, मैं इसमें खोलूंगा नहीं। पानी से तो पिचकारी आया है ना आपका, पिचकारी निकाले ना पापा, उससे खेलेंगे, इसमें थोड़ी ना पानी भरेंगे। पानी बस बैठी हूँ यहाँ पे, और इस वक्त टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं। तो इतना टाइम लगा मुझे बनाने में, अदरवाइज अगर वीडियो ड्यो ना शूट करना हो और वैसे बना रहे तो मुश्किल से 5 मिनट में ये बनता है कस्टर्ड। तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है 2 से 3 घंटे के लिए, उसके बाद फिर निकालेंगे। आप पूरी नाइट भी रख सकते हैं, अगर शाम में बना रहे हैं तो मॉर्निंग में ले सकते हैं। फ्रिज में रखने से ना उसका जो टेस्ट होता है ठंडा ठंडा, जब आप खाते हैं ना पुडिंग, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो बस मेरा खाना भी आ गया है, तो मैं लंच कर लूँगी। तो आज लंच में बना है निमोना चावल, सुबह मैं रोटी लेती हूँ, दोपहर में मैं चावल और निमोना लेती हूँ। क्या हुआ? तो यहाँ टुक टुक सोने के लिए जिद कर रही थी, और टीवी भी चल रहा था, टीवी देखते देखते सोएंगी। और दोपहर टाइम में दूध पीती हैं टुक टुक, उसके बाद सोती हैं। मुझे वॉल्यूम अपना ऑफ करना पड़ा क्योंकि बच्चे देख रहे हैं कार्टून, सब लोग बैठे हुए हैं। मम्मा पीछे साइड खोआ निकाल रही थी, और खोआ निकाल के वो भी आके बैठ गई बच्चों के साथ कार्टून देखने लगी। ऐसा होता है बच्चों के साथ बड़े भी बच्चे बन जाते हैं। तो मम्मा वही कर रही थी, और फिर उसके बाद मैंने नींबू पानी पिया। लगभग ये मेरा दूसरा गिलास था, बहुत ज़्यादा मुझे प्यास टाइप का लग रहा था तो नींबू पानी पीने का कर रहा, तो मैंने कहा पी लेते हैं। तो यहाँ पे तकिया वगैरह भी डाल दिए हैं, धूप दिख जाए अच्छे से। ऐसे 15 दिन में 1 महीने पे तकिया वगैरह डाल देते हैं ताकि अच्छे से हो जाए। डिब्बे वगैरह धुल के सारे रख दिए हैं ताकि इसमें गुजिया वगैरह बनेगा जो इसमें रखने के लिए काम आ जाएगा। उधर पापड़ डला हुआ है, और आज कपड़े वगैरह भी काफ़ी मात्रा में धुले हुए हैं। तो इस तरीके से चल रहा है काम। मैंने ला करके रख दिया है, धुला हुआ है आरओ का। तो यहाँ पे हमने फ्रिज से निकाल लिया 5 घंटे बाद, शाम के इस वक्त 7 बज रहे थे, 5 से 6 घंटे हो गए थे। और बस मेरा कस्टर्ड अच्छे से सेट हो गया। तो हस्बैंड जी आए हैं ड्यूटी से, तो उनको देते हैं पानी पीने के लिए। तो बहुत ही मेहनत से बनाया है, कह सकते हैं इसी हालत में मैंने बनाया प्रेगनेंसी में। तो आप भी ज़रूर बनाइए, अगर ये रेसिपी नहीं बनाया आपने स्वीट होली रेसिपी में तो फिर क्या बनाया। तो ये देखिए निकाल के दिखा रही हूँ मैं, कितना अच्छा बना हुआ है, इजीली कट हो जा रहा है और अच्छे से ऑब्जर्व किया हुआ है। तो एक हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है, और एक हाथ से मैं कस्टर्ड निकाल रही थी, शूट कर रही थी फ़ोन से। हमारी पुडिंग बनके हो गई रेडी, और सब लोग पीछे हैं, और हो गई है शाम, लक्ष्मी दिया वगैरह जल गई है, रिद्धि टू ट्यूशन पढ़ रहे हैं, और ये हस्बैंड जी आ गए हैं, तो उनको पानी पीने के लिए ये मैं दे रही हूँ। और वेट नहीं हो रहा है,
काफ़ी टेस्टी काफ़ी यमी बना हुआ है, तो इसको टेस्ट करके भी देख लेते हैं। आप लोग भी बनाइए, थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया था अभी, बहुत टेस्टी लग रहा था, तो आप लोग भी बनाइए घर में और इंजॉय करिए ये होली रेसिपी स्वीट। तो देखते हैं है। देखते हैं कैसा है खा के। बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है, आप ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना आप लोगों का। तो फिर चलिए चलते अंदर।